दिल्ली बादली थाना अंतर्गत प्लास्टिक दाना गोदाम में रात भीषण आग लग गई। दमकल की तेज गाड़ियां राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। दमकल विभाग को रात 2 बजे के करीब आग की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की तेज गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। दमकल विभाग द्वारा आग को काबू करने के लिए रॉबर्ट का भी इस्तेमाल किया गया। फिलहाल किसी भी हताहत होने की जानकारी नहीं है। वही आग को काबू कर लिया गया है, मगर कूलिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। आशंका है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी होगी।